तो आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्या होने वाला है भारतीय टीम का स्क्वाड, किन किन खिलाड़ी को भारतीय टीम स्क्वाड में मिलेगी जगह, किन किन खिलाड़ी को बैकअप यानी कि रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुना जाएगा, कौन होगा टीम इंडिया का कप्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार जून के महीने में खेला जाएगा, जो 4 जून 2024 से यह टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसका फाइनल महामुकाबला 30 जून 2024 को खेला जाएगा। अब आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, जैसा कि आप सभी को पता है कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मेट पूरी तरह से बदल चुका है, जो कि ग्रुप स्टेज, उसके बाद सुपर 8 और नॉकआउट स्टेज के फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 20 टीमों के बीच खेला जाएगा यह टूर्नामेंट, और इन सभी 20 टीमों के बीच टोटल 55 मुकाबले 55 मैचेस खेले जाएंगे, जहां यह पूरा टूर्नामेंट वेस्टइंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले भारतीय कप्तान के बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने खुद बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया था, गुजारिश की थी कि उन्हें T20 और ODI सीरीज के लिए टीम में ना चुना जाए, वो रेस्ट लेना चाह रहे हैं, और बीसीसीआई ने उसे कबूल भी किया था। जहां साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बीसीसीआई रोहित शर्मा को T20, ODI और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान बनाना चाह रही थी, लेकिन T20 और ODI सीरीज से रेस्ट दे दिया गया था। रोहित शर्मा के कहने पर यहां पर चर्चाएं काफी तेज हो गई थी जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था मुंबई इंडियंस में, और मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया था IPL 2024 के लिए। तो यहां पर कई खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बीसीसीआई कप्तान बनाने वाली है, रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाएगी। बीसीसीआई ने खुद साफ कर दिया कि रोहित शर्मा ही फर्स्ट चॉइस कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, और वही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो रोहित शर्मा करेंगे भारतीय टीम को लीड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही थी कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा, ईशान किशन से वन डाउन नंबर 3 की बल्लेबाजी करवाई जाएगी। लेकिन विराट कोहली कौन खिलाड़ी है आपको पता ही होगा, वो मुकाबला जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हारा हुआ मुकाबला जीता था, वो भी एक T20 फॉर्मेट था, हारिस रौफ को जिस तरह से शानदार छक्का लगाया था, ये किसी और बल्लेबाज की बस की नहीं थी। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो T20 का नंबर 1 खिलाड़ी है। ODI फॉर्मेट की बात करें तो ODI क्रिकेट के बादशाह हैं और टेस्ट क्रिकेट के तो बादशाह ही हैं, और विराट कोहली आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने वाले हैं। अब हमने ये सभी रिपोर्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दे दिया था, तो अगर आप भी IPL और क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारे पास टीम इंडिया का प्रोबेबल यानी कि संभावित टीम स्क्वाड आ चुका है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का 15 मेंबर प्रोबेबल टीम स्क्वाड। नंबर 1 पर रोहित शर्मा जो कप्तानी करेंगे, नंबर 2 पर ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 3 किंग विराट कोहली, नंबर 4 शुभमन गिल, नंबर 5 KL राहुल विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 सुधीर कुमार यादव, नंबर 7 सिराज अय्यर, नंबर 8 रिंकू सिंह, नंबर 9 हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, नंबर 10 रविंद्र जडेजा, नंबर 11 कुलदीप यादव, नंबर 12 जसप्रीत बुमराह, नंबर 13 मोहम्मद सिराज, नंबर 14 मोहम्मद शमी। अगर मोहम्मद शमी फिट होंगे तो वही खेलेंगे, वरना फिर उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को टीम स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि नंबर 15 पर रवि बिश्नोई युवा स्पिनर। तो ये रहा टीम इंडिया का 15 मेंबर्स संभावित टीम स्क्वाड आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जहां रिजर्व खिलाड़ी यानी कि बैकअप खिलाड़ी के तौर पर टीम में इन खिलाड़ियों को चुना जा सकता है, जिसमें नाम है यशस्वी जायसवाल या फिर ऋतुराज गायकवाड, जिनका प्रदर्शन IPL 2024 में सबसे बेहतरीन होगा, उन्हें ही बैकअप खिलाड़ी की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो इन दो में से कोई एक होगा, जबकि अक्षर पटेल, मुकेश कुमार और तिलक वर्मा होने वाले हैं ट्रैवलिंग रिजर्व में। ट्रैवलिंग रिजर्व का मतलब यह है कि ये सभी खिलाड़ी बैकअप खिलाड़ी की लिस्ट में रहेंगे और टीम इंडिया के साथ जाएंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। अगर मेन स्क्वाड से कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड या फिर किसी वजह से बाहर हो जाता है तो उनकी जगह पर इनमें से किसी खिलाड़ी को टीम स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। अब चूंकि ये टूर्नामेंट IPL 2024 के तुरंत बाद खेला जाएगा, तो IPL 2024 की परफॉर्मेंस भी काफी अहम होगी, जिसमें दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी बीसीसीआई की निगाहें होंगी, जिसका परफॉर्मेंस आला दर्जे का होगा, बहुत ही शानदार होगा, उनके परफॉर्मेंस की बेस पर ही सिलेक्शन होगी।
इसके अलावा ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन ये भी लंबे समय से क्रिकेट से दूर चलते हैं, आईपीएल 2024 में इनकी वापसी होने जा रही है, तो बीसीसीआई इन पर भी नजरें जमाए रखेगी कि इनका फिटनेस किस तरह रहता है। तो आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए लगभग कंफर्म है कि यही भारतीय टीम का स्क्वाड होने वाला है, ये संभावित स्क्वाड आ चुका है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने टीम स्क्वाड जारी नहीं किया है, जैसे टीम स्क्वाड अनाउंस होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर उसकी अपडेट्स दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी अपडेट्स दे दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।